अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शमाइला शफकत। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाकिफ से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल सूप, तो चलिए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने ले लिया है चिकन, हाफ के जी चिकन लिए है, इसे अच्छी तरह से धो लिए। इसे हम डालेंगे पैन में और इसमें हम डाल देंगे पानी। चिकन और पानी हमने डाल दिए पैन में। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी, 4 से 5 पीस मैंने लिए दालचीनी के, 2 से 3 अदद लौंग और 3 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक। लहसुन लिया है एक पूरा बंच हमने, उसे छील लिया है, इसे इसी तरह से साबुन डाल देंगे और अदरक डालेंगे इसमें। अदरक को भी छील के इसके स्लाइस कर लिए हैं और एक मीडियम साइज के हमने प्याज लिए, इसे छील के और इसके हमने इस तरह से पीस कर लिए, 4 पीस कर लिए, ये डाल देंगे और इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे चिकन को, अच्छा सा ये स्टॉक बन जाए। फिर से हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और चिकन के पीसेस अलग कर लेंगे, फिर हम सूप बनाना स्टार्ट करेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं, हमने चिकन गलने के लिए रखा था और बहुत अच्छा चिकन हमारा गल चुका है। अब चिकन के पीसेस हम अलग से कर लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे अलग से हम। चिकन हमने अलग कर लिया था और इसके इस तरह से बारीक पीस कर लिए हैं, अलग अलग से इसके रेशे हो गए इस तरह से। ये इसमें हम डाल देंगे, बहुत अच्छा बॉईल आ रहा है इसमें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर। तमाम वेजिटेबल्स हमने चॉप करके रख लिए हैं और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मटर। मटर डाल देंगे ताकि ये थोड़े गल जाए, 1/2 कप से थोड़ा कम हो गए ये मटर जो हमने डाले हैं। और कोशिश करें मटर हम जो लें तो थोड़े छोटे साइज में जो होते हैं वो, तो थोड़े नरम होते हैं, अच्छे भी लगते हैं सूप में। और स्वीट कॉर्न ले लिया हमने, ये भी इसमें हम डाल देंगे, ये भी 1/2 कप से थोड़ी कम है और इसे हम कवर करके छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि थोड़े अच्छे से गल जाए हमारे मटर, फिर हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे। चार मिनट हो चुके हैं, हमने मटर रखे थे गलने के लिए, बिल्कुल इन्हें हमने नरम नहीं करना, बिल्कुल गले हुए भी मटर इसमें अच्छे नहीं लगते। तो इसमें हम अब डालेंगे शिमला मिर्च, 3 टेबलस्पून होगी ये बारीक चॉप की हुई, और कैबेज डालेंगे इसमें हम, बंद गोभी ये भी 3 से 4 टेबलस्पून होगी, और सब प्याज बारीक काट के रखा हुआ है ये भी डाल देंगे साथ ही इसमें, और एक छोटे साइज की गाजर लिए, इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हमने ढकना नहीं है, इसी तरह से हम बॉईल आने देंगे, 2 से 3 मिनट तक ये मुसलसल बॉईल होगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। सूप में बहुत अच्छा बॉईल आना शुरू हो गए, अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 5 टेबलस्पून लेंगे हम कॉर्नफ्लावर, और इसे पानी से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बहुत अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर मिक्स हो गए पानी में। और अब थोड़ी आंच हम तेज करेंगे सूप की, और इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और साथ ही इसका चम्मच चलाते जाएंगे। सारा इकट्ठा हम कॉर्नफ्लावर नहीं डाल देंगे, अच्छा सा बॉईल आने देंगे सूप को और देख लेंगे जितना हमें थिक चाहिए हम उतना थिक कर लेंगे कॉर्नफ्लावर डाल के। बहुत ही मजे की माशाल्लाह खुशबू आ रही है सूप की और बहुत ही मजे का ये बनेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है सूप में और जितनी थिकनेस हमें चाहिए थी सूप की हमने उतनी कर ली है और बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है। अब थोड़ी स्लो आंच हम कर देंगे। और एग लेंगे हम, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इसे हम सूप में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक डालेंगे इसमें और साथ ही हम चम्मच चलाते जाएंगे। बहुत तेज चम्मच इसमें ना चलाएं क्योंकि जब एग डालें हम तो थोड़ा स्लो चम्मच इसमें चलाएं तो बहुत ही अच्छा एग अलग से नजर आता है और बहुत ही प्यारा सूप लगता है हमारा। अगर ज्यादा चम्मच इसमें हम चलाएंगे तो एग बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसमें और सूप देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें हम चाहें तो मशरूम्स भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद तो मैंने इसमें नहीं डाले, आप चाहें तो इसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन वेजिटेबल सूप रेडी है, इसे अब हम बाउल में डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल सूप हमारा रेडी है। ब्लैक पेपर भी मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया है और इसे हम साथ सर्विंग में भी रख सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर। बहुत ही मज़े के लगते हैं इसमें और बहुत ही मज़े का ये बने, आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपकी तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें और आप भी हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।